टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। ठाणे ग्रामीण के पड़गा इलाके में जंगल में पेड़ से लटके मिले 402 महीने पहले घर से थे गायब, हत्या या आत्महत्या। दरअसल जंगल में लकड़ी काटने गए एक शख्स को बदबू महसूस हुई तो उस जगह पहुंचा और वह एक पेड़ पर 400 लटके हुए थे, जिनमें एक महिला और 3 बच्चे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि इन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 महीना पहले ही महिला के पति ने दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस इस परिवार के सदस्यों को बुलाकर पहचान कराई। परिवार के सदस्यों ने कपड़े से पहचान कर ली। महिला के पति बच्चू बंगारी और दूसरी पत्नी ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने बचा लिया और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी सामने आई वो ये है कि बच्चू बंगारी की पहली पत्नी और 3 बच्चे थे और बच्चू बंगारी ने दूसरी भी शादी कर ली। यही वजह थी पत्नी और 3 बच्चों ने अपनी जान दे दी। लेकिन पुलिस अपने स्तर से मामले को खंगाल रही है। आखिर हत्या है या आत्महत्या है? ये वो जंगल है जहां पर खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों ने पहुंचे और पहचान की, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल पति का कहना है 2 महीना पहले बोल के गए थे खेत में जा रहे हैं और उसके बाद नहीं आए। पति बच्चू बंगारी ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी की थी। पुलिस आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पड़गा पुलिस स्टेशन के एरिया में उम्बरखेड़ गांव है, उसमें श्रीपति बंगारे नाम का शख्स रहता है। उसकी पत्नी और 3 बच्चे वो खेत में जाने के लिए 20 को बोल के गए, उसके बारे में वो वापस नहीं आए। इसके बारे में उसने पड़गा पुलिस स्टेशन को मिसिंग तकरार दाखिल किया है, उसका तपास चालू है। उसका तपास करते समय कल 10-12-20 को उसका भाई और उसकी पत्नी और वो उम्बरखड़ में गन्या डोंगर के पास अवले के वाड़ी के पास का लकड़ी तोड़ने के लिए गए तो उनको थोड़ा उधर दुर्गंध आया। तो दुर्गंध की वजह से उनको मालूम पड़ गया कि इधर एक 4 बॉडी लटक रही। तो वो उन्होंने देखा और उसके भाई को बताया। भाई और उसकी बीवी, नए बीवी, वो दोनों देखने को उधर गई तो वो चारों दिखाई दिए। उसके बारे में उन्होंने पुलिस स्टेशन को बताया और खुद को तकलीफ हो गई, इसलिए उसके पति ने और दूसरी पत्नी ने पॉइजन लिया। उनके ऊपर औषध उपचार चालू है और उन्होंने पुलिस स्टेशन को खबर दिया। उसके बारे में पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु रजिस्टर किया है, उसके बारे में जांच चालू है, अधिक जांच कर रही है पुलिस। जिस तरह से देखा जाए कि इनकी शादी हुई थी जिसको लेके उनके बीच में झगड़े या मतभेद थे उनके, इसमें शादी हुई थी उसकी, दूसरी बीवी लाई थी उसके बारे में उन्होंने शादी हुई थी, इसलिए दोनों में मतभेद थे। फिलहाल पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है दोनों? अभी वो एडीआर दाखिल आए, अकस्मात मृत्यु दाखिल है, उसके बारे में आगे चौकसी करके योग्य थी कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।